गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी आईटीआई की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से प्रियंका पुरोहित, है ना। आज हम जो नया न्यू टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट किया, क्या है ना कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दी इंटरफेस, है ना, कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विंडो एक्सपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी के, विंडो एक्सपी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम विंडो एक्सपी को लोड करने की प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ क्या है, तो विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंडो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। तो 1980 के बाद, जब 1980 का समय चल रहा था, उस समय के बाद, है ना, क्या हुआ, मैसर्स जेरोक्स कॉरपोरेशन, एक मैसर्स जेरोक्स नामक एक कॉरपोरेशन था जिसने क्या किया, इस विषय पर शोध किया। किस विषय पर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के, क्योंकि उस समय तक क्या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस सिस्टम चल रहे थे, तो उन्होंने उस पर शोध किया। उन्होंने उसमें बहुत सारे शोध करने के बाद एक नया इंटरफेस की क्या की, खोज की। ये क्या समय था, 1980 के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसमें मैसर्स जेरोक्स कॉरपोरेशन ने इस सब्जेक्ट पर क्या की, शोध किया, है ना। फिर क्या है, शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध किया या फिर यह प्रूफ किया कि एक हाथ में पकड़े जाने वाला एक ऐसा संकेतक साधन जिससे हम क्या कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ अपना संवाद क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, या फिर हम कहा जाए तो एक ऐसा उपकरण जिससे हम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है, इसमें सबसे पहले जो पहल की वो किसने की, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने, किसने की, जेरोक्स कॉरपोरेशन पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर लाया, जिसका नाम क्या था, जेरोक्स स्टार। पर ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इसके बाद एप्पल कंपनी ने मैकिंटोश नामक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम लेके आए, जो उस टाइम का बहुत ही फेमस या बाजार में उतारा, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित कंप्यूटर प्रूफ हुआ, है ना। इसके बाद क्या हुआ, मैक नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो मैक नामक एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम था जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर ही क्या था, आधारित था, ठीक है। फिर जब ये तीनों आ गए, इसके बाद क्या था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किया, विकास किया, ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या है, विंडोज़ मार्केट में आया। इसका जो पहला संस्करण आया था वो क्या था, विंडोज़ 3.0, ठीक है। ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था जो बहुत ही क्या हुआ, सफल सिद्ध हुआ। बाद में इसके बाद मार्केट में विंडोज़ द्वारा कई संस्करण लाए गए, ठीक है। 1980 दशक के उत्तरार्ध में विंडोज़ सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब जब 1980 के टाइम की शुरुआत हो रही थी, उस टाइम में जो विंडो था वो सबसे अधिक प्रचलित या सबसे अधिक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। इसके बाद क्या था, एक IBM कंपनी थी जिसका नाम था, फुल फॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आधिकारिक रूप से स्वीकृति और उपयोग में किया गया था, ठीक है। तो आजकल सभी IBM एवं इसके समतुल्य पर्सनल कंप्यूटर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि विंडोज़ क्या है, विंडोज़ के पहले क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आए, किस कंपनी के द्वारा विंडोज़ की शुरुआत की गई, उसके कितने संस्करण आए। अब हम देख पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विंडो XP, है ना, कि विंडोज़ XP क्या है। तो विंडोज़ XP जो है एक बहुत ही प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें फिर क्या है, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर की सारे वर्किंग प्रोसेस को क्या कर सकता है, कंट्रोल करके रखता है। विंडोज़ XP यह डिसाइड करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जो जिसका वर्क है वो अपनी पूर्ण कैपेसिटी के साथ या फिर प्रॉपर टाइम जो उसे मैनेज करना है पूरे उसके साथ वो क्या करे, अपना वर्क कंप्लीट करे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज़ को तैयार करने के लिए पूरा जो विंडोज़ इंटरफेस था उसको फिर से डिज़ाइन किया। विंडो XP यूज़र इंटरफेस में इस प्रकार सुधार किए गए कि जो हमारे प्रोग्राम है वो और जो भी डेटा है वो हम ईजिली उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। वो नए आइकन्स लाए, नए मीनू लाए और नए विंडो उन्होंने प्रदान की, ठीक है।
अब क्या है, अगर हम फीचर्स की बात करें कि विंडो एक्सपी की क्या विशेषता है, तो पहली जो विशेषता है वो क्या है, विंडो फायरवॉल। क्या है? विंडो फायरवॉल। इसमें क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, मतलब हमें उसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में ऑन रहता है। और जैसे ही हमारे सिस्टम में कोई वायरस या कोई अन्य ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या देने लगता है, एक मैसेज शो करवाने लगता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, ऑटो अपडेट। ठीक है, ऑटो अपडेट के साथ क्या है, कंप्यूटर के साथ नवीनतम अपडेट की रूटीनली जांच करता है, वो ये देखता रहता है रूटीनली कि किस चीज़ को कब अपडेट की ज़रूरत है, और जैसे उसकी ज़रूरत होती है उसको अपडेट करने की, वो क्या कर देता है, एक मैसेज शो कर देता है। थर्ड क्या है, विंडो एक्सपी में डेस्कटॉप पर कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिनका प्रयोग हमने काफ़ी समय से नहीं किया होता है, तो विंडो में ऐसी फैसिलिटी होती है कि अगर मैंने उनका प्रयोग 60 दिन तक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। उसके लिए क्या यूज़ होता है, डेस्कटॉप क्लीनअप विज़ार्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, विंडोज़ एक्सपी यह भी सुविधा प्रदान करता है कि अगर नेटवर्क पर स्थित हम फाइल पर हम क्या कर सकें, वर्क कर सकें, लेकिन यदि उस समय हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो भी हम उस फाइल को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें और उसमें क्या कर सकें, वर्क कर सकें। फिफ्थ क्या है, विंडो एक्सपी में फाइल और फोल्डर के साथ अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम में क्या होता है, इसको एसोसिएट करने के लिए इसको कई बार कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो ये ऑप्शन भी हमें क्या देता है, विंडो एक्सपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा विंडोज़ क्या है, विंडो एक्सपी क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको लोड करना देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।